जल्दी आओ रिया। चलो रिया, क्या हुआ? ग्रीन सिग्नल थी, तुमने क्रॉस क्यों नहीं किया? नानी, मुझे रोड क्रॉस करने में बहुत डर लगता है। रोड क्रॉस करते हुए ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे हाथ पैर बांध दिए हैं। बेटा, आपके हाथ पैर आपके डर ने बांधे हैं, और जब तक आप इस डर के ऊपर जीत हासिल नहीं करोगे, ये ऐसे ही बंधे रहेंगे। क्या मतलब नानी? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। वुडवर्ड जंगल में हम्पी और उसके दोस्त एक नदी को क्रॉस कर रहे थे। हम्पी को नदी क्रॉस करने में बहुत डर लगता था। हम्पी, तू इतना डर क्यों रहा है? तुम लोग जाओ ना, मैं यही वेट करता हूँ। हम्पी, हम सब लोगों का जाना जरूरी है। वहाँ हमें जंगल आइडल कॉन्टेस्ट की तैयारी के लिए जाना है। हम सबको फॉर्म भरने हैं, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। हम्पी, जंगल आइडल की तैयारी के लिए हमें इसी रास्ते से आना जाना पड़ेगा। तू कब तक डरेगा? चल, हम तुझे पार करवा देंगे। देखा, नहीं हुआ ना कुछ। फॉर्म तो भर दिए, बस अब तैयारी करनी है। हम्पी, तू डूब नहीं सकता यार। हाँ हम्पी, तुम हिप्पो हो। चल अब घर चल। सॉरी यार, हम तो मजाक कर रहे थे। तुम लोग घर जाओ। मैं हमेशा अपने डर के साए में नहीं जी सकता। अपने इस डर को दूर करना ही होगा मुझे। तुम लोग सच में मेरे दोस्त हो और मेरी मदद करना चाहते हो, तो प्लीज मेरी मदद करने मत आना। तूने हमें क्यों रोका था मदद करने से? डीजे, जब लड़ाई खुद से हो तो अकेले ही लड़नी पड़ती है। अपने आप से लड़ाई मतलब? चिंता मत कर डीजे, हम तुम्हें सब समझा देंगे। अगर हम्पी ने अपने अंदर के डर से लड़ाई नहीं की होती, तो वो उस डर से कभी नहीं जीत पाता। अपने अंदर के डर को हम खुद ही हरा सकते हैं, उस डर का मुकाबला करके। हाँ नानी। हम्पी,
चलो बच्चों ने आज का सबक सीख लिया।